सलामत आप, नमस्कार। तो कैसे आप सब? अभी हम आ गए हैं कलमबाग चौक से, और कलमबाग चौक पे जो है एक एसी का लीकेज चेक करना है, और यहाँ पे ये कलमबाग चौक सामने हो गया, और इस साइड में जो है मोती झील, आगे में ब्रिज है मोती झील ब्रिज, और बाजू में अगर ब्रिज से बायां उतरेंगे इधर से तो मुजफ्फरपुर स्टेशन आ जाएगा, और दाहिना साइड में उतरेंगे तो मोती झील आ जाएगा। तो हम अभी आ गए हैं, और ये जो है स्लिप वेल का स्लिप वेल का जो बेडशीट आता है उसका शोरूम आ गया है। दुकान भी नहीं खुला है, तो दुकान खोलने का वेट कर रहे हैं। चाबी लेके भी आ गया है लड़का, दुकान खुलने का वेट कर रहे थे, और बैग ले लिए हैं, जेट पंप ले लिए हैं, और कंप्रेसर भी ले लिए हैं। यही वो इंडोर है जिसका जो है गैस लीकेज है, तो अभी ये सामान सब हटेगा, उसके बाद गैस इसका ये प्रेशर डाल करके लीकेज चेक करेंगे। और आउटडोर जो है यहाँ पे जो अभी हम आए थे, तो अभी कॉल आया था यहाँ से कि सर्विस करना है, तो जब भी हम आके देखे यहाँ पे तो इसका कंप्रेसर जो है कंप्रेसर नहीं चल रहा था। तो कंप्रेसर जब चेक किए तो कैपेसिटर ख़राब था, कैपेसिटर ला के डाले तो कंप्रेसर तो चलने लग गया, और इसका जो है गैस इसमें लगभग 40% के आसपास गैस दिखा रहा है। तो इंडोर में कन्फर्म है कि इंडोर में ही लीकेज है, क्योंकि अभी माइनर लीकेज है वो। और ये हम प्रेशर डालने के लिए हम ले लिए हैं, ये हमारा कंप्रेसर है जो कि फ्रिज का कंप्रेसर जो आता है, इसमें कंप्रेसर है, और जेट पंप हो गया, और फिल्टर साफ चला है, सर्विस भी करना है ना। टेबल खाली कर दो, पाइप कौन कर रहा है? यही इंडोर है, देखिए इंडोर कितना ज़्यादा गंदा है ये, और ये पूरा कॉयल ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना पीछे जस्ट नाली है, बता चुके पहले भी, और ये देखिए ब्लोअर भी पूरा गंदा है, और यहाँ से ये स्क्रू उठा के रखो, लीकेज जो है यहीं कहीं पे है, देखिए ये पूरा ऑयल ऑयल हो गया हुआ है, ये देखिए पूरा ऑयल है, तो लीकेज इसी में से कहीं पे लीकेज है, और क्योंकि ऑयल आया हुआ है तो कभी भी लीकेज जहाँ पे होता है वहाँ पे पूरा ऑयल ऑयल हो जाता है, तो पूरा ये ऑयली हो गया हुआ है यहाँ पे, और इसको अभी उतार करके उसके बाद इसमें ब्लीचिंग करना होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है और ब्लीचिंग ऐसे लगे में सही से नहीं होगा, तो पहले इसको उतारेंगे अभी। तो लीकेज तो कन्फर्म हो गया है कि यहीं पर लीकेज है, इंडोर में ही लीकेज है, तो इसको उतारते हैं फटाफट, इसको फटाफट उतारते हैं, उसके बाद इसमें प्रेशर डालेंगे, और कौन सा रॉ में, ये जो रॉ दिख रहा है यू टाइप का, तो यू बैंड है उसी में लीकेज है, तो अभी इसको उतारेंगे, उसके बाद इसमें देखते हैं कहाँ पे लीकेज है, उसके बाद लीकेज को बंद करेंगे। इंडोर खोलने, इंडोर का चेक करने के बाद अभी हम आ गए आउटडोर के पास, इसका वायरिंग जो है वायरिंग खोल देते हैं, उसके बाद इसका पाइपिंग खोलेंगे, कॉपर पाइप वहाँ से फ्लेयर खोल करके, उसके बाद इंडोर उतार के उसके बाद उसमें लीकेज बंद करेंगे। तो पहले वायरिंग खोलते हैं, उसके बाद उसका पाइपिंग खोलेंगे।
इंडोर खोल लिए हैं और इंडोर खोलने के बाद देखिए पूरा क्वाइल ये सब खोल दिए, क्वाइल अलग कर दिए हैं और क्वाइल का जो है पूरा जंग पकड़ लिया हुआ था नट जो है, फिर भी किसी तरीके से खोल दिए। देखिए पूरा जंग पकड़े हुआ है और ब्लोअर कितना ज़्यादा गंदा है, ये ब्लोअर कुछ ज़्यादा ही गंदा है। तो अभी सबसे पहले तो इसको लीकेज चेक करेंगे। लीकेज जो है वो इस जगह पे दिखा रहा है तो इधर ही लीकेज होगा और इधर भी हल्का भीगा हुआ है, तो प्रेशर डाल करके पहले इसको लीकेज चेक कर लेते हैं लीकेज कहाँ पे है। लीकेज चेक करने के बाद में इसको फिर से अभी पीसीबी वगैरह सब खोल के हटा दिए, सब पार्ट पार्ट अलग कर दिए इंडोर का, तो लीकेज चेक करते हैं। लीकेज इसका चेक कर लेते हैं कहाँ पर लीकेज है, प्रेशर डाल करके तो उसके बाद फिर निकालते हैं कहाँ पर लीकेज, कहाँ पर लीकेज मिलता है, लीकेज मिलेगा तो वहाँ पर फिर आपको निकालेंगे। कंप्रेसर प्रेशर डाल दिए हैं, प्रेशर डालने के बाद देखिए बाल्टी में यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ पे ये लीकेज है। ये जो क्वाइल का फर्स्ट रो है नीचा साइड से यहीं पे एक लीकेज है जो कि माइनर लीकेज है, हल्का हल्का बूंदा बूंदा आ रहा है यहाँ पे, और इसको पहले बंद करेंगे उसके बाद और भी देख लेते हैं। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो हल्का सा गर्म करेंगे क्वाइल को तो जो भी माइनर लीकेज होगा वो मिल जाएगा। तो एक तो मिल गया है यहाँ पे और फिर बाकी बात और देखते हैं, उसके बाद फिर इसको बंद करेंगे। लीकेज जो है यहीं पे देखिए, ये जो बूंदा बूंदा आ रहा है यहाँ से, एक लीकेज तो मिल गया है। तो पहले लीकेज को बंद करने से पहले इसको सर्विस कर लेते हैं पूरा को, क्योंकि क्वाइल ज़्यादा गंदा है तो हो सकता है माइनर लीकेज और भी होगा तो नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले इसको सर्विस कर लेते हैं, क्वाइल ये और जो भी इसका पार्ट्स है सबको सर्विस कर लेते हैं, उसके बाद उस लीकेज को बंद करेंगे, उसके बाद फिर से और भी लीकेज ढूंढेंगे। अगर लीकेज होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको पैक करके फिर गैस वैस डालेंगे। तो सबसे पहले इसको सर्विस करते हैं। ऐसे पकड़ना नहीं भाई, है ना, ऐसे पकड़ा ऐसे, ठीक है। क्या करूँगा ऐसे, तो इसको मिला के ऐसे पकड़ लेते मिल गया था। लीकेज बंद कर लिए है और लीकेज जो है दो जगह, चार जगह मिला है, दो इस साइड मिला है
और दो जो है उस साइड मिला है, तो दोनों को चारों को बंद कर दिया है लीकेज को। अब इसको पैक कर रहे हैं, सबको एक साथ असेंबल करेंगे, उसके बाद फिर से इसको फिट करेंगे, फिर गैस डालेंगे। सब फिट करने के बाद इंडोर का सारा जो फॉयल वगैरह था सब असेंबल करने के बाद हम इंडोर को फिट कर दिए हैं और आउटडोर को भी सर्विस कर दिए हैं। इंडोर भी लग गया है जगह पे, और उसके बाद अभी जा रहे हैं गैस लेने। गैस लेके आएंगे तो उसके बाद ये जो पाइप इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन पाइप है वो पाइप कनेक्ट करेंगे, उसके बाद वैक्यूम करके गैस रिफिल करेंगे। तो दिखाते हैं, गैस लेके आते हैं, उसके आगे दिखाते हैं। गैस लेके आगे है। गैस जो है 32 नंबर गैस है, R32 गैस है। तो गैस लेके भी मार्केट से आ गए हैं और इसमें जो कैपेसिटर भी चेंज होगा। तो कैपेसिटर तो 4 दिन पहले ही लेके रखे हुए थे क्योंकि इसको जब भी चेक किए थे उस दिन कैपेसिटर ख़राब था, तो कैपेसिटर भी रिप्लेस करेंगे और गैस भी डालेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसका गैस डालते हैं और कैपेसिटर। मशीन वैक्यूम हो रहा है, पाइप वाइप सब जोड़ दिए हैं, यहाँ से पाइप सब जोड़ दिए हैं और वैक्यूम पर डाल दिए हैं। तो जब तक वैक्यूम हो रहा है तब तक इसका कैपेसिटर भी रिप्लेस करना था, तो कैपेसिटर रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद इसमें गैस डालेंगे। ये जो है ख़राब वाला कैपेसिटर है जो कि 45 UF का था, ठीक है। और अभी दूसरा लेके आए हैं 45 UF का, ये भी है। तो इसमें कैपेसिटर लगाते हैं। मशीन का वैक्यूम जो है हो गया है, देखिए -30 पे चला गया है, ये माइनस में। ये प्रेशर गेज है और ये चार्जिंग गैस चार्ज करने का गेज है, ठीक है। तो अभी ये माइनस में चला गया है, मतलब इसका वैक्यूम कम्प्लीट हो गया है। अब वैक्यूम कंप्लीट हो गया है, अब इसका गैस रिफिल करेंगे इसमें। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है और गैस में सब डाल दिए हैं और पानी का पाइप भी है, बाहर साइड से लगा दिए है। ये पानी का पाइप यहाँ से ला करके सीधे और यहाँ से सीधे बाहर गिरा दिए हैं, क्योंकि बार बार लीकेज हो रहा था और इसका जो ड्रेनेज पाइप नाली में डायरेक्ट था, तो हो सकता है कि उसके वजह से भी लीकेज हो रहा हो इनडोर। तो इसके लिए अभी जो नाली से हटा दिए हैं ड्रेन पाइप और सीधे बाहर ला करके यहाँ पर छोड़ दिए हैं बाहर में। तो अभी सारा काम कंप्लीट हो गया है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं घर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे।